आज का दंगल 2024 के चुनावी महासंग्राम को लेकर हुई मोर्चेबंदी पर है। अगले साल ये चुनावी महासफर 39 दलों के एनडीए बनाम 26 दलों के इंडिया के बीच होने वाला है। ताजा ताजा बने महागठबंधन की बाकी शर्तें नियम कायदे अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन गठबंधन के नामकरण के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश की गैर मौजूदगी के बाद उनकी नाराजगी के सवाल उठे। पता चला कि बैठक में नीतीश ने इंडिया नाम रखने का विरोध किया था, कुछ हिंदी नाम रखने की बात कही थी। बीजेपी ने इसको लपक लिया। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, इसीलिए वो नाराज हो गए। हालांकि नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है उनकी हर बात बैठक में सुनी गई और उन्हें जल्द वापस बिहार लौटना था, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे। इसके अलावा विवाद अब विपक्षी दलों के अंदर जारी खटपट पर भी है। कल लेफ्ट ने कहा था कि बंगाल में टीएमसी से उसकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आज कहा गया है कि बंगाल में लोकतंत्र पर हमला करने वाली टीएमसी देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उधर टीएमसी ने प्रदेश कांग्रेस को धमकी दी है कि राहुल गांधी का फैसला मानना पड़ेगा वरना पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। टीएमसी के एक सांसद ने तो विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बनाने की भी मांग कर दी है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच कल एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने पर 39 दलों की बैठक भी हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि विपक्ष का गठबंधन मिशन नहीं, मजबूरी की गलबहियां हैं। पीएम ने स्वार्थ में बने गठबंधन को देश के लिए नुकसानदायक भी कहा। सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में 65 दलों के दो गठबंधन के बीच ही सीधी टक्कर होने वाली है? क्या पूरे देश में एनडीए के मुकाबले एक उम्मीदवार उतारने में विपक्ष को कामयाबी मिल पाएगी? दो गठबंधनों की लड़ाई में गठबंधन से बाहर के गुट निरपेक्ष दलों की भूमिका आखिर क्या रहेगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दो तीन दिनों में 2024 के महासंग्राम का सीन बहुत कुछ साफ हो गया है। एक तरफ 39 दल होंगे, दूसरी तरफ 26 दलों का नया महागठबंधन। 39 दलों का एजेंडा क्लियर है, 26 दलों का एजेंडा बाकी है। 39 दलों का टारगेट क्लियर है, 26 दलों का टारगेट भी अभी बाकी है। और तो और 39 दलों का नेता क्लियर है, 26 दलों का नेता भी बाकी है। लेकिन महासंग्राम तय है, युद्ध का मैदान तय है, योद्धाओं की पहचान तय है और अब तो संग्राम में उतरने वाली सेना का नाम भी तय है। इंडिया, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया जीतेगा। इस नाम पर कोहराम की कहानी आपको बताएं, उससे पहले विपक्ष के गठबंधन पर पीएम की प्रहार वाणी सुन लीजिए। देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। ये लोग पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। लेकिन एकजुट होने वाले 26 दल ऐसा नहीं मानते। वो एक हुए हैं बस एक इरादे से, और वो इरादा है मोदी सरकार को हटाना, देश को बचाना, डेमोक्रेसी को। डाइवर्सिटी इज देश। द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। देयर इज सो मच ऑफ इन्फ्लेशन, देयर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन विपक्ष के 26 दलों का हौसला हाई है। कहते हैं कि गठबंधन का नाम ही ऐसा रख दिया कि बीजेपी के पास जवाब नहीं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। दो गठबंधन, दो नाम, दोनों नामों का मतलब अलग अलग, मकसद अलग।
इस बार 2024 की लड़ाई कैसी होगी और अंजाम कैसा होगा, इसका अंदाजा बस आगाज से लगा लीजिए। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? ये इंडिया नाम हो या कोई नाम ले ले, ये लुटेरों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले। नाम पर सियासी घमासान के साइड इफेक्ट भी सामने आ चुके हैं। खबर है कि गठबंधन का नाम फाइनल हो गया था, नीतीश कुमार बेखबर थे। कांग्रेस ने नाम बताया, नीतीश ने सवाल उठाया, लेकिन नीतीश की किसी ने नहीं सुनी। जब गठबंधन का नाम तय होने का वक्त आया तो उनसे चर्चा भी नहीं की गई। भले ही इस पूरे प्रकरण से नीतीश कुमार अपनी नाराजगी प्रकट न करते हो, लेकिन वो इससे दुखी जरूर हैं। लेफ्ट के नेताओं ने बताया कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का कोई हिंदी नाम रखना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कुछ नाम सुझाए, लेकिन वो दरकिनार कर दिए गए। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। दूसरी ओर सुशील मोदी तो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार की नाराजगी के कई और कारण गिनाते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि नीतीश की एकजुटता की पहल को जिस तरह कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, उससे नीतीश नाराज हैं। वो चाहते थे कि इसी बैठक में उनके लिए कन्वेनर का नाम तय हो जाए, वो कन्वेनर का नाम तय नहीं हुआ और नाम पर भी उनके मतभेद थे। कहीं से नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सहरा तो नीतीश कुमार को जाता है। जेडीयू और आरजेडी नीतीश कुमार के सिर गठबंधन का सेहरा सजाए बैठे हैं, लेकिन पटना से बेंगलुरु तक इतनी बारिश हो गई कि मौसम का रंग बदल गया। अब पीएम पद पर दावेदारी में टीएमसी फ्रंट पर नजर आ रही है। আমরা চাইবই তো, আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখবে? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। कांग्रेस के गठबंधन से ममता बनर्जी को दूर रखने की मांग पश्चिम बंगाल कांग्रेस पहले से करती आ रही है। अब टीएमसी भी धमकी पर उतर आई है कि हिम्मत है तो आजमा लो। बंगाल में जो कांग्रेस का नेता है वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी का खिलाफ जा सकता है? अगर जाएगा तो उसको जगह पार्टी के बाहर होगा। दो हजार चौबीस के चुनाव के लिए अब तक 65 दलों का ऐलान हो चुका है। दो गुटों में 39 और 26 दल बट चुके हैं, लेकिन कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो गुट निरपेक्ष हैं। उनके निशाने पर भी नया वाला गठबंधन ही है। कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है। मायावती ने भी ऐलान किया है कि आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीएसपी अकेले लड़ेगी, लेकिन लोकसभा में पार्टी का रुख क्या होगा, इसका ऐलान अभी बाकी है। शशिभूषण के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। अपने अपने दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। 24 का चक्रव्यूह है, उसको भेदने की बड़ी तैयारी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, आप विधायक हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी, लीडर हैं बीएसपी के, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि नाम बदलने से नियत नहीं बदल जाती है, बहुरूपीय बार बार नाम बदलकर सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि विपक्ष की ये जो गलबहियां दिखाई दे रही हैं वो उनकी मजबूरियां हैं। क्या है इस पर जवाब आपका, अभय दुबे जी? चित्रा जी, करप्शन
करप्शन को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट साफ है। जो कल तक कहते थे मैं अकेला काफी हूं, लेकिन कर्नाटक की हार और आरएसएस के लेख, जिसमें लेख में लिखा गया कि अब प्रधानमंत्री जी के चेहरे से काम चलने वाला नहीं है, समूची भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आप जानते हैं इस 38 दलों की सच्चाई क्या है? 9 राजनीतिक दल तो ऐसे शामिल किए जिन्होंने लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा। 16 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। 7 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक सांसद है और चुनौती दे रहे हैं किसको? इंडिया को। अरे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखिए, मगर इंडिया के खिलाफ, भारत जो लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ तो मत खड़े हो जाइए प्रधानमंत्री। अकेले 303 है अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री जी 353 जीते थे उन लोगों ने 2019 में। अभय दुबे जी अकेले ही बीजेपी 303 है। इस प्रजा बहुत ये अहंकार पौराणिक काल में कौरवों को भी था। कौरवों ने भी महाभारत के युद्ध के पहले अधिक राज्यों के राजाओं का समर्थन लिया था, सेना भी बड़ी थी, मगर जीत नैतिकता की हुई थी, पांडवों की हुई थी। तो इस प्रजातंत्र के महाभारत में फिर न्याय की जीत होगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी बहुत भ्रष्टाचार पर रोज भाषण दे रहे हैं, पता है कहां से जन्म हुआ इस बात का? क्योंकि कर्नाटक में गंभीर आरोप लगे और प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्ट मंत्री थे उनको संरक्षण दिया, अपना कार्यकर्ता उनका आत्महत्या कर ली संतोष पाटिल कह कर कि प्रधानमंत्री जी 40% का कमीशन खा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस ईश्वर अप्पा से बात की, यहां से संकेत साफ मिलता है। तो जैसे अजीत पवार को शामिल किया, जैसे हसन मुंशरिफ को शामिल किया, जैसे प्रफुल्ल पटेल को जो आतंकियों का साथी बताते थे, अब चेहरा कौन है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी सुन लीजिए। चेहरा वो राजभर जी है जो कहते थे हिंदुस्तान का सबसे झूठा अगर एक नंबर का कोई आदमी है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। चेहरा कौन होगा? अब्बास अंसारी, जिनको कहते थे कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश में और देश का सबसे बड़ा डॉन है, उसका बेटा अब एनडीए का चेहरा है। एनडीए का चेहरा अजीत पवार, जिस पर आरोप लगाते थे 70,000 करोड़ के घोटाले का, एनडीए का चेहरा वो प्रफुल्ल पटेल जो बाल मिर्ची का साथी बताते थे, अब ये एनडीए का चेहरा है। क्योंकि डरी हुई भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में आ गया है कि जिस प्रकार समूचा देश एक साथ आया है, इंडिया बनाम भ्रष्टाचारी, इंडिया बनाम आतंकियों को संरक्षण देने वाले, इंडिया बनाम संसाधनों की लूट वालों की ये लड़ाई है और इसमें इंडिया भारत जीत कर रहेगा। आलोक जी जवाब दीजिए, वो इंडिया नाम को लेकर भी आप लोगों पर आक्रामक हो रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया बनाम इंडिया की लड़ाई में इंडिया जीत कर रहेगा, और तमाम नेताओं के नाम गिनाए ये कहते हुए कि सभी के सभी भ्रष्टाचारी हैं। अजय आलोक जी, चित्रा जी एक लंबा चौड़ा कैप्सुलेशन सेंटेंस बना के उसको समअप इंडिया कर देने से इंडिया बन जाता है। अगर इनकी यही सोच है बहुत अच्छा, इंडियन है, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन कैसा इंडिया, किसका इंडिया? परिवार का इंडिया, डायनेस्टी का इंडिया? पहला बात तो ये, क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए थे 26 दल, बहुतायत किसकी थी? परिवार की थी, डायनेस्टी की थी। तो डायनेस्टी का इंडिया जो बनेगा, किसका इंडिया? इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, वैसा इंडिया चाहिए? बहुत अच्छा, बनाइए वैसा इंडिया। करप्शन का इंडिया, जितने दल बैठे हुए हैं या तो बेल पे हैं या जेल में हैं या केसेस चल रहे हैं, कैसे कैसे करप्शन के, इतने महान हैं करप्शन के कि मंत्री भी जेल चले जाते हैं करप्शन के आरोप में, तब भी मंत्री को नहीं हटाते हैं। ऐसा इंडिया बनाना है, ऐसा गवर्नेंस करना है, बहुत अच्छा करिए एकदम। चौथा ये तुष्टिकरण की राजनीति, वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बैठी हुई थी जो इस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, वैसा इंडिया? बहुत अच्छा है, बनाइए बनाइए एकदम, बहुत अच्छा इंडिया है। उसके बाद हिंदुओं को जाति में बांट दो ताकि हिंदू हिंदू ना रहे, जातिवादी दलों का संगठन का जमावड़ा वहां लगा, वैसा इंडिया बनाना है? बहुत अच्छे, बनाइए। और वैसे इंडिया के नाम से इनको बड़ी नफरत होती थी चित्रा जी, आपने कितनी डिबेट की, शाइनिंग इंडिया, रन अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनोवेशन इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब बात जब हम कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, तब तो बड़ी एकदम मिर्ची लगती थी, जैसे सांड को लाल कपड़ा देख के मिर्ची लगती है वैसे कूदने लगते थे। हाँ। ये क्या मतलब है शाइनिंग इंडिया, क्लीन अप इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया? अरे तो अब आपके भी मुख्यमंत्री तो अपना नाम बदलने लगे ना, आगे इंडिया हटाकर भारत रखने लगे हैं, तो अब क्या बीजेपी डर गई है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा तो फिर इंडिया इतना गिना रहे हैं, भारत देखा जा रहा है। चित्रा जी मैं आ रही हूँ, जल्दी से दो लाइन में, दिक्कत है ये इंडिया से किसी, इंडिया में
इंडिया से किसी को दिक्कत नहीं है, ना मुझे ना आपको ना भारतीय जनता पार्टी के सीएम ने, आपने देखा नहीं उनका ट्विटर प्रोफाइल पे इंडिया का भारत लिख दिया, वो मैंने समझाया, मैं वही कह रहा हूं, इंडिया इनके इंडिया कैसा इंडिया है वो मैं बता रहा हूं, एक झलकी दिखा रहा हूं देश को आपके माध्यम से, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया इसलिए रखना पड़ा, जानती हैं क्यों? क्योंकि भारत माता की जय का जब उद्घोष हमारे यहां से सुनते थे ना, तो तब भी ये चिढ़ते थे कि फर्जी राष्ट्रवाद है, ये है वो है, तो अब उस भारत माता की जय की उद्घोष से बचने के लिए पीछे से नाम जोड़ा इंडिया, लंबा चौड़ा नाम दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। कौन सा डेवलपमेंटल, कौन सा इंक्लूसिव, ठीक है, कौन सा नेशनल, ठीक है। बाहर निकलते ही सीताराम येचुरी कहते हैं कि बंगाल में साथ नहीं लड़ेंगे, इंक्लूसिव हो गए? ममता बनर्जी आपको दो सीट नहीं देंगे, इंक्लूसिव हो गए आप? उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, चार्टर्ड फ्लाइट लेने के बावजूद आप इंक्लूसिव हो गए? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी, आपने एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए हैं, अभय दुबे जी इसका जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जीतन राम मांझी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। जीतन राम मांझी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और कल की तस्वीरें हमने देखी जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े जोशो खरोश के साथ आपकी ओर से वेलकम किया गया फूलों का गुलदस्ता देकर, लेकिन 26 दलों के इस मजबूत इंडिया के सामने एनडीए कैसी बिसात बिछाएगी 24 के लिए, क्या है ताकत जीतन राम मांझी आप लोगों की? मांझी जी देखिए, वो लोग चाहे 26 जुटे या 28 जुटे हैं, वो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा कवायद कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, और जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी जी का एनडीए गठबंधन का सवाल है, ये तो आप लोग भी समझते होंगे कि भाजपा जो पार्टी है और जो जिसका नेतृत्व करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, आज कॉम्पिटेंट हैं कि स्वयं कुछ सरकार बना सकते हैं और उसका बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनेक पार्टियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो सबको सामंजस्य बैठा करके चलने का काम उन्होंने किया है, ये उनकी महानता है, और इधर लोगों की मजबूरी है कि हम एक हो करके सब उसका मुकाबला करें, लेकिन एक होने का नाटक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पटना की मीटिंग के बाद महाराष्ट्र का साइड आप देख लिया, और फिर पटना में भी जदयू की कहानी सुन लिया, और अब जब वहाँ बंगलोर में जब मिले हैं तो आप सुनते होंगे कि भाई गए थे हमारे नीतीश कुमार जी वहाँ, ये हो करके कन्वेंशन के जोश तो हाई है ना जीतन राम मांझी जी उन लोगों का, लेकिन वहाँ एकदम जोश से भरे हुए हैं लोग, पिछली बार नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो आप लोग 39 सीट जीत गए, इस बार तो नीतीश उधर के खेमे में चले गए हैं, तो बिहार के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी मांझी जी आप लोगों के लिए? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी को सब समझ लिए हैं कि उनका नाम जो लालू प्रसाद यादव जी ने ही रखा था पलटू राम, तो अब वहाँ के जन जन के लोग समझ गए हैं कि वो पलटू राम है, सत्ता के लिए वो किसी के साथ जा सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं है। और दूसरी साइड है बात है कि जो काम धाम की स्थिति है बिहार में, वो बहुत खराब स्थिति है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और देखा है वो फिजूल खर्ची के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, और सोशल सेक्टर में अगर बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देने की बात आती है तो शायद बहुत दिक्कत होती है उनको, और जब दूसरे राज्य में 1000 रुपया 1200-1500 रुपया देता है और बिहार में अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि और भी काम है, ठीक है। और जैसे विद्यार्थी लोगों का है, विद्यार्थी लोगों को स्टाइपेंड ठीक समय पर नहीं मिल रहा है और मिलता भी नहीं है, फिर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने की बात आई थी, उनको भी भत्ता न दे के आप ये बोल रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार को घेरने का काम एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से किया जाएगा जीतन राम मांझी जी, लेकिन उधर जो इंडिया विपक्षी दल है वो ये कह रही है कि बीजेपी ने उन तमाम दलों को एक साथ कर लिया है जिनके एक भी सांसद नहीं है संसद के भीतर, उनमें से आपकी भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी का कोई सांसद नहीं है, तो इतनी तवज्जो बीजेपी जैसी मजबूत 303 दलों सांसदों वाली पार्टी छोटे छोटे लोगों को जोड़ रही है क्योंकि उसको कोई बड़ा विपक्षी दल ही उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। एनडीए
पहले ही हमने कहा, हाँ पहले ही हमने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करते हैं, और आज हमारी क्या जरूरत उनको थी, लेकिन तो भी हमको उन्होंने रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए हैं कि हाँ उनकी पार्टी में कोई हार होने वाली है। आप समझ लीजिए कि उनको जीत के लिए उनकी अकेली पार्टी निश्चित रूप में है कैपेबल कि उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगी, लेकिन बाकी सब मिलकर के 400 सीट प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, उसके अनुसार लड़ा जा रहा है। और दूसरी बात ये आप कह सकते हैं कि राज देश के अंदर तो जो परिस्थिति है ही है, लेकिन विदेशों में भी आज हिंदुस्तान की जो क्रेडिट है, अब जो इनका क्रेडिबिलिटी है, इस हद तक के बढ़ी है कि आज तक के बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए इस तरह की बातें नहीं हुई थी। ठीक है। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी प्राइम मिनिस्टर को पैर छू के प्रणाम करते सुना है आपने? लेकिन आज मोदी जी का नाम इसी रूप में आता है कि राष्ट्राध्यक्ष भी इनको झुक करके प्रणाम करते हैं। और तो और आज हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, हमारे यहाँ पर्यटन आ रहे हैं, और जब 8 महीना मात्र रह गया है चुनाव का, ऐसे समय में लोग आते नहीं हैं। आखिरी सवाल है जीतन रामपाल जी, जी, जी हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके टिप्पणी लेनी है। छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, दो सवाल है इससे जुड़े हुए। एक ये, क्या नीतीश कुमार की कमी जो है वो जीतन राम मांझी और कुशवाहा जैसे नेता पूरी कर पाएंगे? 40 में से कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए को बिहार में, क्या सोच रहे हैं? और दूसरा सवाल, आपने 3 महीने पहले राम की कहानी को, श्री राम की कहानी को काल्पनिक बताया था, रावण को राम से ज्यादा कर्भट बताया था, अब तो भगवान राम वाली पार्टी मतलब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जोर शोर से लोगों के बीच जाएगी, तो फिर लोग सवाल नहीं लागेंगे आपके ऊपर कि राम की काल्पनिक थी क्या? आस्था नहीं, नहीं आप बोलिए इसमें आस्था का कहा रखिए, अपना आस्था है। यहाँ लोग तो मिट्टी के पूजा करते हैं लोग, और भगवान राम का नाम लेकर के भी लोग अगर पूजा करते हैं, इसमें दोष क्या है? हाँ हम नहीं मानते हैं, हम कहीं भी कोई परिस्थिति में बात दूसरों की मानते हैं। आज जैसे बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी बात ऐसा कही है, उस आधार पर हम लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब हम किसी के आस्था से खिलवाड़ थोड़े करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पूजा मत करो, हम कहते हैं कि माला मत पहनो, चंदन टीका नहीं लगाओ, जिसको जरूरत अपना लगावे, अपना आस्था की बात है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर भाषा, हर संस्कृति, हर वेशभूषा और हर भारतीय तरह का विभिन्नता है, और विभिन्नता में एकता है यहाँ। यही तो बिहार हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और रही बात नीतीश कुमार जी का जो है कमी, उस कमी को पूरा करने की बात तो समय बतलाएगा। आज नीतीश कुमार के साथ कौन है वहाँ पर? अति पिशा बाहरी हो गया है, उनके समाज में कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और सम्राट साहब इधर हैं, और जहाँ तक शेड्यूल कास्ट की बात है तो चिराग इधर हैं, जीतन मांझी इधर हैं, तो उनके पास कौन लोग हैं जो पूर्ति नहीं होगी? वहाँ पर आप सह सकते हैं कि बहुत बहुत कमजोर स्थिति में नीतीश कुमार वहाँ हो गए हैं, और 2024 में 40 सीट में 400 सीट एनडीए को मिलने वाली है बिहार। ठीक है सर, आपके दावे में कितना दम है इसके लिए तो 24 का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। धर्मेंद्र चौधरी जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, आपने इधर के आपने उधर के कहां जाएंगे? चित्रा जी, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कहा कि ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, क्योंकि अभी भाई आलोक जी जो बीजेपी के हमारे सम्मानित भाई हैं, वो कुछ करप्शन की और इंडिया की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को करप्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि उसके उत्साह तो हम खुद ही हैं, करप्शन में तो माहिर हम खुद ही हैं, ये कांग्रेस वालों को नहीं करने देंगे ना इनको आने देंगे। क्योंकि ये कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, और पूरा देश बेच डाला, पूरे संसाधन बेच डाले। ये दोनों गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और बीजेपी ने कैसे रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद में इतना भी मौका नहीं दिया था कि उनका सामान ट्रक में लोड होकर के जो है घर चला जाए दूसरे घर, सड़क पर फिंका दिया था। और आज चिराग पासवान जी जो उनको गले लगा रहे हैं, चिराग पासवान जी को गले लगा रहे हैं। अभी चित्रा जी,
लेकिन आपकी नेता तो कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, करप्शन में लिप्त है। ये कांग्रेस हाँ और बीजेपी दोनों, ये दोनों हाँ इस देश के लिए जहरीले नाक की तरह और हैं। समाजवादी पार्टी और ये इनके सपोर्ट है, ये कांग्रेस के सपोर्ट है, ये हाँ ये सारे दल मिलकर के देश को लूटना चाहते हैं, ये सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। 2019 में यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि उसके 5 सांसद चुने गए और समाजवादी पार्टी का पूरा वोट शिफ्ट हो गया, तो आपके 0 थे 14 में, 2019 में आपके 10 हो गए। चित्रा जी, अगर उनकी 5 सीटों से लोकसभा के बाद के चुनाव में 6 हो जाती हाँ 7 हो जाती हाँ तो मैं आपकी बात को मान लेता, कैसे लेकिन दोनों तरफ मजबूत गठबंधन रहेगा, ऐसे में कैसे जीतेगी बीएसपी यूपी में? बीएसपी इस देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आज हम पिछले विधानसभा के चुनाव में 12.5% वोट पर थे, जो अब बढ़ा है। चित्रा जी, कहीं हमारा 2.5% है, कहीं 5% है, कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 13% है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? अरे कि मैं अपने वोटों को आपको दिलवा सकूं। क्या उत्तर प्रदेश के बिना ये रण जीता जा सकता है? क्या बहुजन समाज पार्टी के बिना ये रण जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। वोट पाने वाली बीएसपी 12.5% पर आकर टिक जाती है। अरे विधानसभा में चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में जेडीयू का 1% भी वोट है? क्या ममता दीदी का 1% भी वोट है? ठीक है। क्या केजरीवाल जी का 1% भी वोट है? ठीक है, मैं बाकी नेताओं को लेकर आता हूं। चना बाजे घना हाँ, और मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाजे घना आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूत सरकार चाहिए। ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट जिधर जाएगा उधर ही सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी खुद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और हम अपने बैनर पर, अपने झंडे पर, अपने साथ में जनता के साथ में। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, जी बताइए। ये कह रहे हैं थोथा चना बाजे घना, आप ही लोगों के लिए इस कहावत का, इस इन लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, और सपोले और पता नहीं क्या क्या और गिना रहे थे। देखिए चित्रा जी, चित्रा जी ऐसा है कि कल से जब से अपोजिशन की इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, तब से कुछ लोगों की भूमिका जो है वो मंथरा टाइप की हो गई है कि आपस के लोगों में कैसे आग लगाई जाए, कैसे लड़ाई जाए। और मैं देख रहा हूं कल से बहुत तेजी से चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज हो गए हैं, कोई कह रहा है अखिलेश यादव जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले आपस में हैं। तो असल में परेशानी भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों की में इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपथाइजर है उनका डिस्पिरेशन बोल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर खड़ी है उसके 3 उदाहरण कल मिलते हैं। पहला, जब विपक्ष अपना पार्टियों की बैठक कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी गिनतियों पे गिना रहे थे कि 26 नहीं 28 नहीं 38 हो गए हैं। किसी ने पूछा भी नहीं था, वो 38 की गिनती गिना रहे थे। ये पहला डिस्पिरेशन था। ठीक है, दूसरा डिस्पिरेशन, जिस दिन विपक्ष की मीटिंग हो रही थी उस दिन ही आपको मीटिंग करनी थी दिल्ली में, ये दिखाने के लिए कि एनडीए की भी मीटिंग होती है, पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई। और तीसरा डिस्पिरेशन जो नहीं होना चाहिए था, जो वाकई हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि सुबह सुबह मोदी जी गए थे किसी और काम करने के लिए और सीधे विपक्ष पे अटैक करने लगे। और अटैक किस पे करने लगे? जो आपने बताया कि गलबैया मजबूरियां हैं, करप्शन वाले हैं, करप्शन पार्टी है या जातिवाद है। और उसके भी 3 साफ साफ तोड़ है कि अगर गलबैया मजबूरियों की वजह से हम लोग बैठे थे तो नागालैंड में नेफियो रियो के साथ में आपने लड़ाई लड़ी, खुलेआम उनको गालियां दी, उनके विधायक तोड़े, सब कुछ किया, उसके बाद आपने सरकार बनाई नागालैंड में। ठीक है, और आज आपके वो बड़े घटक दल है। मेघालय में कोनार्ड संगमा पे आपने कह दिया कि करप्शन का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड अगर किसी ने बनाया तो कोनार्ड संगमा पे। बाकी लोगों के बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, दो और मेहमान है, उनकी ओपनिंग टिप्पणी भी नहीं हो पाई है, जल्दी से AIDMK के अभी भी 3 मिनिस्ट्रियों पे सेंट्रल विजिलेंस ने चार्जशीट फाइल करी है, क्या उनपे करप्शन पे चार्ज होंगे? ठीक है, अजीत पवार को क्या आप जेल में डालेंगे? बीएमसी करप्शन में शिवसेना शिंदे ग्रुप के जो चार्जेस लगे इसका जवाब आज आलोक जी देंगे। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल यहां पर कर रहे हैं। चित्रा जी जल्दी से आशुतोष जी जल्दी से जातिवाद पे भी सवाल पूछ लीजिएगा। जातिवाद पे आलोक जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है, कि जातिवाद की बात करते हैं हम लोग, हाँ हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, दलित पिछड़े और वंचितों की बात करते हैं, उनकी गणना करवा के रहेंगे, लेकिन जातिवाद की राजनीति कौन करता है? निषाद पार्टी किस लिए बनी है?
ओपी राजभर की पार्टी किस लिए बनी है, अपना दल की पार्टी किस लिए बनी है, इसका जवाब अजय आलोक जी देंगे। लेकिन उसके पहले संजीव झा जी, आसान होता है लेकिन उसको देखना भी जरूरी होता है। संजीव झा जी, अब चूंकि आप भी उस इंडिया का पार्ट है विपक्षी दलों का, ऐसे में पुराने पुराने बहुत सारे बयान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निकाल के वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें वो बच्चों की कसम खाकर मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में जनता को समझाना पड़ेगा आपको जाकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा दिल्ली और पंजाब का, क्या समझ में आ रहा है, कैसे बताएगी संजीव झा जी आम आदमी पार्टी? देखिए चित्रा जी, किसी ने ठीक कहा है कि हमारी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। तो ये जो दो दिन से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बौखलाई हुई है, ये साबित होता है कि इस बार तीर तो सही निशाने पे लगी है और तमाम तरह के स्टेटमेंट ये दर्शा रहा है। एक एक करके अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि परिवार परिवार की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। तो भाई साहब, ये ओम प्रकाश राजभर की क्या पार्टी कैसी है, ये चाचा भतीजे की पार्टी है LJP, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये चौटाला जी की पार्टी क्या परिवार की पार्टी नहीं है? तो आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं, एक तरह कहते हैं करप्शन की बातें, अगर भ्रष्टाचार की बात आप करते होते तो आप परहेज रखते अजीत पवार जी से, आप परहेज रखते शुभेंदु अधिकारी से, आप परहेज रखते आप बंद विश्वास से, आपने तो उसको कहीं प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम, किसी को सीएम बना दिया। और अभी जो आप 38 लोगों की टीम कह रहे हैं, ये 38 लोग डरपोक और कमजोर है, जिनको पता है कि अगर इनके साथ नहीं जाएंगे तो एक हमारे पास ईडी की चिट्ठी आ जाएगी, जाके शरणागत हो गए। तो और देखिए कैसे कैसे लोगों को शामिल करा लिया वो, अब क्या ये, मैं तो जानना चाहता हूँ, आप पूछिएगा भी, क्या ये कहेंगे अब्बास अंसारी जिंदाबाद और मुख्तार चचा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या कहेंगे ये? अभी सुनने में आया एक पार्टी किनकी अलायंस है, वो छोटा राजन का भाई को शामिल करा लिया, अब दाऊद काली बचा है, जिनको ये शामिल नहीं कराने उनको भी शामिल करा ले, 40 हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज ये आनंद फानंद में ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री घबरा गए, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, घबराना भी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया, टीम इंडिया का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों से जिस सरकार को चुना उस सरकार के साथ मिलकर के आप देश को आगे बढ़ाओ। आपने क्या किया, सभी सरकारों को तोड़ने का और कमजोर करने का कोशिश किया, तो आप देश कमजोर करने की कोशिश किया, आपने संविधान खत्म करने की कोशिश किया, जनता की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश किया। तो अब ये लड़ाई बहुत बड़ी है, अब ये लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं है, उन्होंने क्या बोला इसकी नहीं है, इस देश सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपके खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं? नहीं, हमने वही कहा कि अब ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी की बात है ही नहीं, ये संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, ये ईडी दीवे जैसे निष्पक्ष संस्था बचेगी, तो हम बाकी बातें कर लेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा सबका। अब धीरेन्द्र कुमार जी, बार बार परिवारवादी पार्टियों की बात होगी तो उसमें आप लोगों का नाम भी आएगा ही, फिर कैसे समझाएगा लोगों को कि विपक्ष पर आप हमलावर होंगे परिवारवाद को लेकर, और बीजेपी के भीतर एनडीए के भीतर खुद ही इतने दल हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं? धीरेन्द्र कुमार जी, चित्रा जी, ये जितने भी अभी महागठबंधन वाले लोग हैं ना, ये नया नाम इंडिया जो रख के अभी आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे नई कंपनी बना के पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, ये लोग कुछ भी आरोप लगा ले, क्या फर्क उससे पड़ना है, इन लोगों का चेहरा चरित्र और चाल पूरे देश को पता है। भाई भतीजावाद की बात करते हैं, हमारे नेता, हमारा बिहार में अध्यक्ष कौन है, उनका कोई परिवार है क्या, कौन सी तरह की बात करते हैं ये? जिस पार्टी में ये लोग हैं ना, आम आदमी पार्टी, कट्टर बेईमान लोग हैं, इन लोगों की बातों का क्या मैं जवाब दूं? समाजवादी पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, इन लोगों का चाल चरित्र क्या रहा है ये बताइए। इनको, इन लोगों को अपने मतलब अपनी पूर्ति के लिए जिस हद तक कोई नाम बदल के अब अपने खुद को डिफेंड करने के लिए देश के नाम को आगे कर दिया, देश के नाम को आगे कर लेने से अगर कोई आतंकवादी या कोई अगर भ्रष्टाचारी तिरंगा लेके अगर खड़ा हो जाए तो क्या उसे पुलिस छोड़ दे, क्या जनता उसे छोड़ दे? ये लोग एक ढोंग कर रहे, देखिए ना बेंगलोर की बैठक हुई है, नीतीश कुमार वहां से चले आए रूट के, जिस आदमी को दूल्हा बनना था, जिस आदमी को वहां तक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि चलो दूल्हा नहीं सहवाला बनते, सहवाला भी बनने में दिक्कत हो रही है, रूठे नहीं है, जल्दी आना था बिहार।
देखिए कहना चित्रा जी के झूठे नहीं है, नहीं लेकिन बाराती तो तैयार था। अब लालू जी बोले थे कि हम बाराती चलेंगे, फिर बाद में बोल दिया बिना पत्नी वाला नहीं बनेगा। अब क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं, उनको अपने बेटे को स्थापित करना है, इनको अपनी कुर्सी बचानी है बिहार में, ये लोग तो खुद खुद को अपनी अपनी कुर्सी को बचाना है, अपने राज्यों में प्रासंगिक रखना है, इसी की लड़ाई है। और इंडिया के नाम को आगे कर दिया है, वोट तो इनको नहीं मिलने निश्चित तौर पर। हम लोग भारत माता के भारत माता को आदर की निगाह से देखते हैं, हम लोग जय भारत माँ भारती के आचरणों में पलने वाले लोग हैं। इंडिया की बुराई तो नहीं कर सकते, इंडिया के नाम की भी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन इनके पीछे जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी, उनको भारत का कानून और भारत के लोग न छोड़ेंगे। और आगे एक एक करके बैलेट से इनका जवाब दे करके कुछ लोग तिहाड़ जाएंगे और कुछ लोग हाजीपुर से कौन लड़ेगा, पूछ रहे हैं हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चाचा या भतीजा जल्दी से। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें। तो चाचा भी मानने को तैयार नहीं है, अब तो घर का झगड़ा पहले सुलझा लीजिए आप। लेकिन अब दुबे जी पर फिर से आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल रात जो बड़ा बयान एनडीए की बैठक के बाद दिया गया, उसको लेकर मैं आपसे यहां पर सवाल पूछना चाहूंगी। उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि केरल में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के लोग, और यहां पर बेंगलुरु में गलबहियां कर रहे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में अब सौगत राय जो कि टीएमसी के सांसद, उनका बयान सामने आया है। बंगाल के जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से क्या बाहर जा सकते हैं, अगर वो जाएंगे तो पार्टी से बाहर फेंक दिए जाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं के लिए टीएमसी के सांसद अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वोट कैसे ट्रांसफर करवाइएगा भैदू बीजी इंडिया के लिए, जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी पहले ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये प्रांतों के चुनाव का सामंजस्य नहीं है, ये जो सामंजस्य है वो देश को बचाने की लड़ाई का सामंजस्य है। इसलिए प्रांतों के स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि प्रांतों के स्तर पर अगर हमारे चुनाव होंगे तो हम लड़ेंगे आमने सामने, लेकिन जब देश को बचाने की लड़ाई है तब सामूहिक योगदान की आवश्यकता है और उसके लिए हम प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बड़ी बात, बार बार आपकी पार्टी नहीं मान रही है ना, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं बंगाल में, वो तो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेफ्ट की पार्टी जो कल आप लोगों के साथ बेंगलुरु में बैठी हुई थी, उसके नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। वृंदा कराज एक बार सुना देते हैं, एक बार सुना देते हैं, वृंदा कराज जी को सुना देते हैं, उसके बाद अभय दुबे जी इस पर जवाब दीजिएगा। आज उनकी ओर से बयान सामने आया है, हमारी चर्चा संविधान को बचाने की हुई है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, जनवाद बचाने का, धर्म निरपेक्षता को बचाने की जो परिस्थिति है वो बंगाल के ही आधार पर तय होगा। तो बंगाल में जो हमारी पार्टी है, बंगाल जो हमारे साथी हैं, उनके साथ बातचीत करके वो ही तय करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। आगे टीएमसी पर और भी निशाना साधा गया है वृंदा करात जी की ओर से, आप इस पर जवाब दीजिए अभय दुबे जी। आपके 6.5% वोट थे बंगाल में, लेफ्ट के 6.5% हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहते, और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं पर इंडिया फेल हो जाता है लेफ्ट का, अब जो विपक्षी दलों का है। नहीं नहीं देखिए, ये तो जब देश के लिए बड़ी लड़ाई है तो सब सामूहिकता से साथ है। मैंने कहा ना कि राज्यों के स्तर पर जब चुनाव होंगे तो वो प्रतिस्पर्धा रहेगी वहां पर, ये तो बहुत अच्छी बात है प्रजातंत्र के लिए। इसका अवसर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी आपने जीतारामबाजी का
इंटरव्यू कराया था, क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले तक वो, कि मोदी जी फ्लॉप, 10 में से 0 नंबर देता हूं। और आज भी भगवान राम के खिलाफ खड़े, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। वो मानते किसको हैं? रावण को मानते हैं। तो किनकी शरण में गए वो? जिनकी शरण में गए वो उसी मनोवृत्ति के लोग हैं जिनकी शरण में गए। अभी मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसके द्वार पर लिखा हुआ सनातन संस्कृति का मूल वाक्य नहीं देखा, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे समूची पृथ्वी को परिवार मानते हैं हम, और आप हिंदुस्तान के परिवारों के खिलाफ खड़े हो गए बंगाल में। इतना बयान आ रहा है उस पर बाद में बात कर लेंगे समूचे उसकी, केरल का एग्जाम्पल और ये जो बंगाल का एग्जाम्पल आपके सामने मुंह बाय खड़ा है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? अभय दुबे जी दो लाइन में बताइए, जो कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर, कल वो कैसे कहेंगे कि आप इन्हीं को वोट दीजिए? देखिए एनडीए के इन मंसूबों पर पानी फिर जाएगा चित्रा जी, याद रखिएगा आप। एनडीए का अर्थ क्या है? नकारात्मकता, डिवाइसिवनेस और सत्ता के स्वार्थ का अलायंस। तो इन लोग ये जो क्यों इकट्ठा हुए, ये सब भीषणतम भ्रष्टाचार किए हुए लोग एक साथ डर के मारे साथ आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ईडी सीबीआई जो मूल गठबंधन है उनका, उसके माध्यम से ये लोग इकट्ठा किए हैं। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि 24 के बाद जब ये सामूहिक नेतृत्व आप लोगों राज के लिए करेगा तो कोई छूटने वाला नहीं। अब बहुत सारे मुद्दों पर जुबान भी एक जैसी होने लगी अजय आलोक जी, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ये जो एनडीए का मंसूबा है ना उन लोगों को बांटने का, फूट डालो और राज करो, वो चलेगा नहीं। अरे हम क्यों फूट डालेंगे? फूट तो आपस में पड़ी हुई जो दिख रही है, अभी आपने ही दिखाया, आपने ही चलाया, ये मैंने तो नहीं बोला। लेकिन चित्रा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आकार में भी हम बड़े हैं और विचार में भी हम बड़े हैं गठबंधन के हिसाब से, तो कृपया अपने पैनल पे भी बराबरी पी रखें। 4-2 हो रहा है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इन्हीं लोगों का ज्ञान सुनते रह गए तब से। वो आप ही के मैं आता हूँ एक एक कर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक एक करके आता हूँ क्योंकि इन लोग का भाषण बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी के मित्र बोल रहे, देखिए बीच में बोलने लगे, अभी बीच में बोलने लगे। सबसे पहली बात अभय दुबे से ही शुरू करता हूँ, बहुजन को बाद में लाते हैं। 15 सर का रावण खड़ा किया पटना में, वो बढ़ के 26 सर का रावण हो गया, लेकिन रावण कौन है पता नहीं चल पाया। जानते हैं क्यों भेजी? क्योंकि रावण का दहन किया जाता है, रावण का चयन नहीं किया जाता है, जो आप लोग रावण चयन करने के लिए निकले हुए हो, समझ गए? पहली बात तो अपना ज्यादा समय तो आप भ्रष्टाचार पे आप कोई जवाब नहीं देते, परिवारवाद पे आप कोई जवाब नहीं देते, तुष्टिकरण पे आप कोई जवाब नहीं देते। आपके कार्यकर्ताओं का खून आपके कंधों पे लगा हुआ है, बंगाल में जाकर क्या बोलेंगे कार्यकर्ताओं? ठीक है, यहाँ पर जल्दी से अजय आलोक जी, तीन उधर के भी थे क्योंकि जीतन राम मांझी को भी हमने शामिल किया था, और यहाँ पर भारती साहब चूंकि बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ना इधर है ना उधर है, तो इन्होंने अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। खैर डिबेट इस पर लगातार जारी रहेगी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन 24 के दंगल में किसका होगा मंगल, इस पर रहेगी हमारी नजर। किसके मुद्दे जनता के दिल में घर कर जाएंगे ये देखना रहेगा दिलचस्प।